डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू सी द मई ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने uh, जब मईस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े मयर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़े तो हमने बार बार डिस्ट्रीब्यूशन की बात की कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद रेफरेंस के वो अगर उसका मीन मीडियन मोड की वैल्यू सिमिलर हैं और फिर अगर स्केटनेस uh, को जब हमने डिस्कस किया डिस्पर्जन को तो अगर स्टैंडर्ड स्टैंडर्डेवियशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई नहीं है तो हम ये कहते हैं कि डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अब हम एग्जैक्टली exactly देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन के, के मयस क्या हैं या शेप के मीस क्या हैं दीज मयस एक्चुअली टेल्स अस हाउ सिमेट्रिकल और ए सीमेट्रिकल सेट ऑफ डाटा इज डेटा सिमेट्रिकल तब होगा जब वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यानी उसकी एक बेल शेप कर्व होगी Uh, अगर डेटा उस बेल शेफ कर्व से वायलेट uh, हो जाता है तो उसको हम ए कहते हैं यानी उसकी कर्व uh, जो है एक सिर्फ टिल्टेड हो जाए या उसकी जो टॉलनेस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए या बहुत ज़्यादा फ्लैटन हो जाए तो हम ये कहते हैं कि फिर ये डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ये ए समेट्रिकल है तो डिस्ट्रीब्यूशन के जो हैं दो बेसिक मीस हैं एक स्क्यूनेस और दूसरा के स्क्यूनेस आपको बताता है कि डाटा जो है वो क्या एक तरफ टिल्टेड तो नहीं है यानी यहाँ पे अगर जैसे हम देखें हमने दिखाया है कि जो राइट साइड को आपकी अगर ज़्यादा डाटा टिल्टेड है तो वो आ, जो है जो आपका पॉजिटिवली सिक्योर्ड है और अगर लेफ्ट साइड को ज़्यादा डाटा टिल्टेड uh, है तो इसको हम कहते हैं नेगेटिवली स्क्यूड है और ये एक प्रॉपर सिमेट्रिकल नॉर्मल ली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है तो आइए इसको ज़रा और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं तो स्क्यूनेस इज़ अ मैयर ऑफ़ द डिग्री ऑफ लूप साइडनेस इन द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और वी कैन से दैट स्क्यूनेस एन इज़ एन इंडिकेटर ऑफ लैक ऑफ सिमेट्री यानी ये हमें बताता है कि किसी डाटा में सिमेट्री uh, कितनी ज़्यादा वायलेट हुई है तो अगर इसका हम फार्मूला देखें स्टेटिस्टिक्स में तो इट इज़ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू पावर ऑफ थ्री डिवाइडेड बाई एन माइनस वन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन पावर ऑफ थ्री तो स्टेटस्टिक्स में अगर आपके पास uh, डेटा सेट दिया हुआ है आप उसका मीन निकाल लें और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें तो आप फिर उसका स्क्यूनेस भी कंप्यूट कर सकते हैं यहाँ पर हम स्क्यूनेस uh, तो नहीं कंप्यूट करेंगे क्योंकि वो आप स्टेटिस्टिक्स के कोर्स में देख लेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे जो जो स्क्यूनेस की वैल्यू है उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं uh, अगर स्क्यूनेस की वैल्यू ज़ीरो हो जो आपने कंप्यूट किया तो हम ये कहते हैं कि डेटा इज़ टोटली सिमेट्रिकल डेटा इज़ इन आइडियल शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो बेल शेप काव में अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ है तो हम ये कहते हैं कि ये जो डेटा है आपका वो नेगेटिवली हाँ, सिक्यूर्ड है और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ है और अबव दैट जीरो है तो हम ये कहते हैं कि डेटा आपका पॉजिटिवली सिक्यूर्ड है अब इसकी कितनी वैल्यू जो है हम टॉलरेट कर सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस पर जो है स्टेटिशियंस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ज़्यादातर का मानना यह है कि अगर इसकी वैल्यू जीरो टू वन के दरमियान हो या मैक्सिमम जीरो से टू के दरमियान हो तो हम इसको टॉलरेट कह सकते हैं और हम ये कह सकते हैं जो है कि डेटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ जो स्टेटिशियंस हैं वो ये कहते हैं कि इसकी वैल्यू ज़ीरो से टेन तक भी हम जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द के भी सैम्पल साइज वग़ैरह बढ़ाओ मगर ज़्यादातर का ओपिनियन यही है कि इसकी जो आइडियल जो वैल्यू है वो अगर जीरो टू वन के दरमियान और एक्सेप्टेबल वैल्यू जीरो से टू के दरमियान है अगर आ, हम देखें इसको मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपकी मीन की वैल्यू जो है वो मीडियन और मॉड की वैल्यू से ज़्यादा है जैसा कि आपको इस केस में दिखाया गया है तो हम ये कहते हैं कि आ, आपका डेटा जो है वो पॉजिटिवली सिक्योर्ड है यानी आपकी मीन की वैल्यू इज हायर देन मीडियन और अ मॉड एक्स बार वैल्यू इज हायर देन मॉड एंड मीडियन तो हम ये कहेंगे कि ये डेटा जो है पॉजिटिवली स्क्यूड है और अगर ये वैल्यू जो है आपकी जो एक्स बार की बजाय मॉड की वैल्यू हो हायर हो और वो एक्स बार की वैल्यू और मीडियन की वैल्यू से बड़ी हो तो हम कहेंगे कि डेटा इज नेगेटिवली सिक्योर्ड जो कि के ये केस है यानी हम स्क्यूनेस का एक तो कंप्यूट कर ही सकते हैं अकॉफिशंट दूसरी तरफ हम इसको अपने मैज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जो वैल्यूज़ हैं उसके साथ भी इंटरप्रेट कर सकते हैं जितनी ये वैल्यूज़ इक्वल टू ईच अदर होंगी उतना ही आपकी जो है की स्क्यूनस नहीं होगी और अगर मीन की वैल्यू हायर है मीडियन और मॉड से तो हम कहेंगे डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है और अगर मॉड की वैल्यू हायर है मीन की वैल्यू और हाँ, मीडियन uh, की वैल्यू से तो हम ये कहेंगे डाटा नेगेटिवली स्क्यूड है और बाकी अगर ये प्लस साइन के साथ है तो हम कहेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड है और अगर नेगेटिव साइन के साथ है तो हम कहेंगे नेगेटिवली स्क्यूड है दूसरा जो हमारा मैय था वो था किटॉसिस किटोसिस इज अ स्टेटिस्टिकल नंबर दैट टेल्स अस इफ आ डिट्रीब्यूशन इन स्टॉलर और शॉर्टर दैन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कुछ इस शेप में होती है जिसे हम मीजोकर्टिक कहते हैं अब इस शेप से दो शेप्स और हो सकती हैं या तो डेटा फ्लैटन हो जाए तो वो इस शेप में आ जाएगी जिसे हम प्लेटे कहते हैं और या फिर वो इससे टॉलर हो जाए वो इस शेप में आ जाए जिसको हम लैपटॉप कहते हैं तो कटोरसिस uh, को जो कंप्यूट करने का फॉर्मूला है वो है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इनटू द पावर ऑफ फोर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन मल्टीप्लाइड विद द स्टैंडर्ड डेवियशन पावर ऑफ फोर तो आप इससे कटोरस की वैल्यू कम्प्यूट कर सकते हैं अगर कटोस की वैल्यू जीरो और जो नीयर बाय ज़ीरो है तो हम कहेंगे कि आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो मीज़ोकर्टिक है अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो हम ये कहेंगे कि ये लैपटोकर्टिक है अगर आपके कटोरसेस की, की, की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आ रही है तो फिर इसका मतलब है टॉलनेस बढ़ रही है और अगर इसकी वैल्यू लेस देन ज़ीरो है तो हम ये कहेंगे कि ये डेटा फ्लैटन हो रहा है फ्लैटकर्टिक की स्टाइल में डेटा जा रहा है तो आ, ये जो है इससे चेक कर सकते हैं इन दोनों मीय से कि आपके आ, डेटे में आ, कितनी जो है वो आ, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो फुलफिल कर रहा है आपका वेरिएबल यहाँ इसमें कितनी जो है वो आपकी आ, उससे वायलेट हो रही है इसका स्टेटिस्टिकल टेस्ट भी है जो कि हम प्रॉपरली ये करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एजम्पन को चेक करने के लिए वो हम जब इन्फ्लुशियल स्टेटिस्टिक्स करेंगे तो उस वक्त जाकर हम उसको स्टडी करेंगे तो अभी हम क्योंकि डिस्क्रिप्टिव स्टेटस्टिक्स कर रहे हैं तो उसमें आप जो है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में आ, जो है एस पी एस एस के साथ या और किसी भी सॉफ्टवेयर में स्कीूनस और कटोसस की वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं और वो हम अगले मेड्यूल में देखेंगे कि हम वो कैसे करते हैं